देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री रामलला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग रहेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-04 में आप याद करिए हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-04 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-04 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंभे निकले थे जहां से साबित हो गया था कि श्री रामलला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंभे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहा, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है, नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।